जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सोलर प्रोजेक्ट पे। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, सोलर प्रोजेक्ट लगाने का अलग अलग स्पेस होता है। जैसे छत पे लगा सकते हैं, टीन शेड पे लगा सकते हैं, ग्राउंड माउंट पे लगा सकते हैं, फ्लोटिंग जो तालाब में लगाया जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर आता है अलग अलग स्पेस पे। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा कि टीन सेट पे किस टाइप का स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। टीन सेट पे भी आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप्स के टीन सेट होते हैं। एस्बेस्टस सीट होता है, टीन कोरूगेटेड टीन सेट होती है, फाइबर सीट होती है। तो कोरूगेटेड टीन सेट में क्या होता है, सीट में उसमें भी अलग अलग शेप एंड साइज होता है स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने का और मॉड्यूल को इंस्टॉल करने का। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर नॉर्मल शेड होता है, नॉर्मल शेड पे आप इस टाइप का मोनोरेल लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप का लगा सकते हैं। उसके साथ साथ एक और दिखाता हूँ आपको, ये सेम है जो 1 फीट में आ रही है, 1 फीट का है डायमेंशन। उसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, कभी कभी शेड का जो सीम होता है वो इस शेप में आ जाएगा, जो डोम टाइप का स्ट्रक्चर आता है। आप देख सकते हैं डोम शेप में, डोम शेप के लिए ये स्ट्रक्चर आप प्रेफर कर सकते हैं। ये 100 mm का है, 100 mm हाइट है, 70 mm अप्रोक्स 70 mm। दूसरा आप इसको भी देख सकते हैं, ये स्टैंडिंग क्लैंप है, ये भी स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो स्ट्रक्चर है, अगर पर्सनल आप लगाना चाहते हैं, पर्सनल लगाइए या क्लाइंट डिमांड करता है कि मुझे हैवी स्ट्रक्चर चाहिए, तो उसका लाइफ 25 से 50 साल तक का है। वो स्ट्रक्चर कभी भी डैमेज नहीं हो सकता है, कितना भी विंड स्पीड आए। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर, इसका थिकनेस भी देख सकते हैं। इसका क्या होता है प्रोसेस इंस्टॉल करने का, उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, ये जो 300 mm हाइट में देख सकते हैं, 300 mm लेंथ में देख सकते हैं, ये उसी के कंपेयर में ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये इससे ज़्यादा है, 400 mm का है, 100 mm एक्स्ट्रा है। इसको इंस्टॉल करने का आप प्रोसेस है, सबसे पहले आप, अगर मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ तो ये अलग पार्ट है। आप देख सकते हैं ये जो टीन सेट आती है, सीट के ऊपर ये इंस्टॉल हो जाएगा। जितने भी आप देख सकते हैं ये जो स्लॉट राउंड होल है, आप 2 या 4 रिविट के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, मल्टीपल रिविट भी दे सकते हैं। अब आपका स्पेस कैसा है वो स्पेस पे डिपेंड है। आप देख सकते हैं ये है सेल्फ स्क्रू, ये सेल्फ स्क्रू है, ये आप, ये जितने भी स्लोटेड राउंड होल है सभी में ये आप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, 2 या 3 पेच लगा सकते हैं। उसके साथ ये तो मोनोरेल के लिए हो गया, मोनोरेल इस पर इंस्टॉल करने के लिए आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा, आपको दिखाता हूँ मैं। ये पार्ट को मैं इसमें इंस्टॉल कर दूँगा, ये तो दोस्तों क्या होगा, ये फिक्स हो गया, ये अब हिलेगा नहीं है, कहीं भी नहीं जाएगा, ये फिक्स हो गया इसमें। अब इस पर मेरा मॉड्यूल असेंबल हो जाएगा, ये 2 मॉड्यूल आ जाएगा, और इसका जो क्लैंप है, इसका क्लैंप ये इसमें आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये क्लैंप आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट और आपको बताता हूँ जो इस स्ट्रक्चर का यूटिलाइज कर सकते हैं किस मॉड्यूल को लगाने का। अगर आपका टीन सेड 6 डिग्री या 60 डिग्री पे साउथ की तरफ फेस है तो आप तो ये स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। अगर यही सेड नॉर्थ की तरफ आपका टिल्ट है तो वहाँ पर आप कैसे लगा सकते हैं, इसको मैं निकालूंगा, इसको थोड़ा सा लूज करके ये निकल गया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक क्लैंप और आएगा जो नट बोल्ट, ये नट बोल्ट लग जाएगा। आप देख सकते हैं ये नट बोल्ट इसमें टाइट हो जाएगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद इसको
इस तरफ से डालकर इधर इसको टाइट कर देंगे, तो ये कहीं नहीं जाएगा। इसको और टाइट करना है, इसको टाइट कर देंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा। एक साइड तो ये हो गया, ये सिंगल कॉलम के लिए। उसके साथ अगर आप एक और इसका बैक कॉलम दिखाता हूँ, ये फ्रंट कॉलम के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रायंगुलर पोस्ट क्या होता है दोस्तों, नॉर्थ फेस में अगर मेरा 2-3 डिग्री टिल्ट एंगल है सेट का और उस पर जनरेशन मुझे परफेक्ट लाना है, तो उसके लिए ट्रायंगुलर पोस्ट स्ट्रक्चर लगाया जाता है। ट्रायंगुलर पोस्ट के लिए मैं इसको सिंगल कॉलम फ्रंट कॉलम मान लेता हूँ और ये इसको बैक कॉलम ले लेता हूँ। ये बैक कॉलम ले लेंगे और इसको टाइट कर लेंगे। ये बैक कॉलम हो गया और सिंगल कॉलम के लिए तो ये दोस्तों 7 से 8 डिग्री पे स्ट्रक्चर को टिल्ट कर सकते हैं नॉर्थ फेस में। और ये स्ट्रक्चर बहुत ही हेवी है, थिकनेस भी और इसका जो एक्यूरेसी है स्ट्रक्चर का और फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट है। आप ये स्ट्रक्चर आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और स्ट्रक्चर मॉड्यूल को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन करने का जो प्रोसेस है, तो ये अगर इसके कंपेयर में चलते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 5-6 स्टेप ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर परफेक्ट है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको नियरेस्ट दिखाता हूँ, इसका थिकनेस देख सकते हैं। अब इसका जो मिड क्लैंप एंड क्लैंप है, आप देख सकते हैं एंड क्लैंप भी मिड क्लैंप बहुत हेवी है, जो मेरा इस क्लैंप में होल्ड होगा। ये अब यहाँ पे मेरा मॉड्यूल 40 mm यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, 40 mm। ये तो दोस्तों ये तो 3 सेट के लिए रहा। अब इसी तरीके से मैं हॉट डिप का प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद फ्लोटिंग का प्रोसेस बताऊंगा। सुपर स्ट्रक्चर हो गया, नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 3 सेट जो इंडस्ट्री वाले 3 सेट है उस पर भी वर्किंग कर रहा हूँ। अगर किसी क्लाइंट के पास 3 सेट लगवाना हो, उसके ऊपर प्लांट लगाना हो, सोलर प्लांट, तो आप मैं आसानी से डिज़ाइन कर देता हूँ और उस पर प्लांट लगा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो पे न्यू यूजर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।